सिंस मेरा नाम सुनिए हो, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैंने बहुत दिन बाद कुछ अलग देखा और एक नई फिल्म रिलीज हुई है जी फाइव पर। जी हाँ, ये फिल्म थिएटर में नहीं बल्कि जी फाइव पर रिलीज हुई है। इस फिल्म का नाम है बमफाड़। जी हाँ, बमफाड़ फिल्म है और वाकई में बमफाड़ है स्टार्ट से लेकर एंड तक। पौने दो घंटे की इस फिल्म में ये पहली डेब्यू फिल्म है आदित्य रावल की, जो परेश रावल के बेटे है। तो 28 साल की आदित्य रावल है इस फिल्म में। इसके अलावा इस फिल्म में मेरे एक और फेवरेट एक्टर है विजय वर्मा, जिनको आपने मोइन के रोल पे देखा होगा, वो भी गली बॉय में। इसके अलावा इस फिल्म में शालिनी पांडे है, जिनको आपने देखा होगा अर्जुन रेड्डी, जो ओरिजिनल फिल्म थी उसमें मेन एक्ट्रेस के तौर पर। फिल्म कितनी कमाल रही, ये फिल्म क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अप्रैल 10 है आज और आज ही फिल्म जी फाइव पर रिलीज हुई है। ये फिल्म स्टार्ट बहुत बढ़िया लेती है, बट एंड जो है इस फिल्म का वो काफी ज्यादा टिपिकल है, यानी कि आपको सैराट जैसी फिल्म की झलक देखने को मिलेगी। लव जिहाद का एंगल है, एक हिंदू लड़की है, एक मुस्लिम लड़का है, लेकिन उस तरह का उसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया उस एंगल को। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि विजय वर्मा, जो अफकोर्स एक लड़की को 4 साल से रूम दे के रखते हैं, उसके साथ कुछ भी टाइम पास करना करते हैं, मतलब उससे प्यार नहीं करते, बाकी सब जो भी करना उनको पसंद है वो बुरी चीजें करते हैं, उस लड़की को पहली बार आई थिंक एक प्यार मिलता है आदित्य वर्मा के रूप में, जो इस फिल्म में एक अच्छा रोल निभा रहे हैं। तो आदित्य रावल जो इस फिल्म के हीरो है, आदित्य रावल को भी प्यार हो जाता है, यानी कि शालिनी पांडे से। अब यहाँ पर ये है, जो विजय वर्मा का रोल है यहाँ पे एक तरह का गुंडे का रोल है और वो पॉलिटिशियन है आई थिंक, या पॉलिटिशियन बनना चाहता है। और ऐसे में ये लड़का के चैलेंज करता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मेरी ही होके रहेगी, कौन, शालिनी पांडे। विजय वर्मा किस तरह से रोकते है, क्या होता है, क्या पॉलिटिकल एंगल है, प्यार मोहब्बत का एंगल है, उसे बहुत अच्छे से इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में वो भी बंदा है जिसको आप बंटी के नाम से जानते हो, वो भी सिक्रेट गेम्स के बंटी के नाम से। इस फिल्म में यहाँ पर वो आस्तीन का सांप नजर आ रहा है, यानी कि एक शकुनी मामा टाइप रोल उसने प्ले किया है, जो आपको पसंद आएगा। सभी कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया बात मुझे इस फिल्म की ये लगी कि इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। फिल्म बहुत टिपिकल है, आपने ऐसी फिल्में देखी होगी पहले, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेक्स एक सही वक्त पे सही तरह से छोड़ा है। एक हैप्पी एंडिंग क्लाइमेक्स नहीं है। ये क्लाइमेक्स क्या है अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेकंड फिल्म का भी हिंट लग रहा है इस क्लाइमेक्स में, क्योंकि विजय वर्मा की जो मौत है वो नहीं हुई होती, एक बड़ा स्पॉइलर है। और इसके अलावा क्या सीन होता है, क्या सेकेंड फिल्म होगी नहीं होगी, ये आपके मन में सवाल है तो मैं आपको बता दूं। तो इस फिल्म का सेकेंड पार्ट जरूर बन सकता है। अभी भी वो जो चेस का गेम है वो शुरू है, ऐसे मोड पर खत्म किया है इस फिल्म को। और नॉर्मली ऐसा लगा मुझे कि लड़की के साथ भाग जाएगा, लेकिन वो लड़की को अकेले छोड़ के जाता है, बाद में बोलता है कि मैं जा रहा हूँ पीछे, मुझे कई सारे है ना हिसाब किताब छुट्टे करने हैं, यानी कि उसको विजय वर्मा से फिर से फाइट करनी है। तो बहुत अच्छी तरह से स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया डायलॉग है, और कुछ अपशब्द वर्ड्स का भी यूज है, बट अच्छा लगा मुझे, बहुत सही लगा ये बंदा यार। आदित्य रावल जो 28 साल का है, इसकी पहली फिल्म है दोस्त। आपको ये बता दो, आदित्य रावल को देखकर मुझे ऐसा लगा कई सारे सीन्स में ये विजय वर्मा पे भी भारी पड़ रहा था। दोस्त मेरे, क्या बोलू आप लोग को मैं, यानी कि परेश रावल के बेटे ने भले ही बड़ी फिल्म से कोई डेब्यू ना किया हो, भले ही उसे बहुत बड़ी थिएटरिकल रिलीज ना हुई हो, भले ही ये फिल्म बहुत ज्यादा इसको रिव्यू ना दे लो क्योंकि फिल्म उतनी बढ़िया नहीं निकल के आई सामने, लेकिन यहां पर ये मैं बता दूं, एक स्टार पैदा हो चुका है जिसका नाम है आदित्य रावल। ये बात मेरी याद रखिएगा कि आदित्य रावल ने जिस तरह का किरदार निभाया है 28 साल की उम्र में, इतना पेन, इतना इमोशन, इतना बढ़िया तरह का करेक्टर, इतना जबान पे पकड़, बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्त, बहुत ही डिफिकल्ट है। यानी कि जहां मुझे लग रहा था कि विजय वर्मा की तरफ मेरा ध्यान पूरी फिल्म में हमेशा रहेगा, लेकिन नहीं, आदित्य रावल पे मेरा ध्यान हमेशा था। और यही इस फिल्म की खासियत है, जितने भी रिव्यूज देख लिया, जिसने 2 स्टार दिया, 2.5 स्टार दिया, 3 स्टार दिया है इस बमफाड़ फिल्म को, उसमें सब रिव्यूज में एक चीज कॉमन रहेगी,
कि बाकी सब तो ठीक था, एवरेज था, जो भी था, लेकिन आदित्य रावल ने अपनी छाप छोड़ी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आदित्य रावल का क्या है ना, क्या कहूं मैं उन्हें, तो मैं यही कहूंगा आदित्य रावल अपने जितने भी स्टाइल उनको दे उस स्टाइल में से वो उतने पे खड़े उतरे हैं। और जहां तक पूरी फिल्म की बात की जाए, फिल्म काफी हद तक गिरी है नीचे सेकेंड फिल्म आधी खत्म होने के बाद, तो मेरे हिसाब से भी बहुत ही फिल्म का फर्स्ट क्लास फिर भी दे दो, मुझे लगता है इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी, फिल्म बहुत सही चीजें हमने देखी है, बट स्टिल आई वुड लव टू गिव इट 60% काइंड ऑफ रेटिंग टू दिस फिल्म, बिकॉज फिर भी कुछ नई नई ताजगी भरने में कामयाब रहे डायरेक्टर, स्पेशली द डायलॉग। तो उसके लिए आई थिंक कुछ हम तालियां बजा सकते हैं हमारे यहाँ पर इस फिल्म के जो पूरा ओवरऑल मेकर्स है, रंजन चंदेल, जिन्होंने ज्यादा बहुत फिल्में इसके पहले नहीं बनाई, बट उनका एक अप्रोच अच्छा रहा, लेकिन मैं चाहता था कि इस अप्रोच को कुछ और अलग एंगल दिया जाता तो अच्छा होता, और इस फिल्म का अगर सेकंड पार्ट बनेगा अगर उसमें वो एंगल दिया जाए तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ को ऐसी जगह पे लाकर छोड़ा है जहां पर फिल्म खत्म होती दिखाई नहीं देती है। और फिल्म की रेटिंग मैंने कहा फर्स्ट क्लास 60%, मुझे फिल्म अच्छी लगी, अगर आपको भी देखनी है तो प्लीज देखिए, और यहाँ पर कुछ हो या ना हो आदित्य रावल की एक्टिंग से आप जरूर वाकिफ हो जाएंगे, उन्हें पसंद करने लगेंगे, कमाल का छोरा है यार, जिगरा था, जिगरा था। चलिए फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।